Good morning, dear friends. We were studying unit 4th of partial differential equation of order 1, and in particular we were studying Lagrange's partial differential equations. Lagrange's partial differential equation, which is of the form PP plus QQ is equal to R, where capital P, capital Q and capital R are functions of X, Y and Z. So, हमने दो रूल डिस्कस किए थे इन ऑर्डर टू फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस. देयर आर फोर रूल्स एंड वी हैव ऑलरेडी स्टडीड टू रूल्स. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस टाइप थर्ड, दैट इज रूल थर्ड. इन दिस मेथड वी फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म PP plus QQ is equal to R, where P, Q and R are functions of X, Y, Z. In order to find the general solution of linear partial differential equation, we use a formula. Which formula? Auxiliary equation dx upon P is equal to dy upon Q is equal to dz upon R. हम इसको कैसे write up करेंगे? हम कोई तीन multipliers ढूंढेंगे. क्या ढूंढेंगे? तीन मल्टीप्लायर्स, वो फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड ही होंगे. ठीक है, तो वो हम एस टी यू आर सम फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, उनको हम मल्टीप्लायर्स भी बोलते हैं. वो हम ऐसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, इस तरीके से ढूंढेंगे कि हम न्यूमिरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे और एड करेंगे. देखिए कैसे, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड अपॉन, डिनोमिनेटर्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली पी एस प्लस क्यू टी प्लस आर यू, इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, सच दैट वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर बनेगा वो जीरो हो जाना चाहिए. जो डिनोमिनेटर होगा वो आपका जीरो हो जाना चाहिए. जब हम प्रॉब्लम करेंगे, एक्सरसाइज पार्ट करेंगे, अपने आप आपको समझ आएगा. बट आपने इस तरीके से मल्टीप्लायर्स को चूज करना है. यू हैव टू चूज द मल्टीप्लायर्स दैट इज फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड इन सच ए वे सच दैट डिनोमिनेटर बिकम्स जीरो. ओके, तो डिनोमिनेटर जैसे ही जीरो होगा आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी वाई यू डी जेड इक्वल टू जीरो. देन ऑन इंटीग्रेटिंग दिस वी गेट फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन. ओके, नाउ व्हाट अबाउट सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन? द सेकंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कैन बी ऑब्टेन बाय द सिमिलर मैनर वी चूज अनदर मल्टीप्लायर्स that is S, T and U in such a way that denominator again becomes zero. After that, numerator equal to zero and on integrating we get the another independent solution. Or there is another way as well to find the second independent solution. वो दूसरा way क्या होगा कि हम कोई भी दो fractions ले सकते हैं, उनको solve करके, उनको integrate करके, तब भी हम सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं. अब जो चीज मैंने बोली उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा. इन दिस मेथड वी फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग अ फार्मूला दैट इज लैग्रेंजेस डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम राइट अप करेंगे ऐसे, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड अपॉन पी एस प्लस क्यू टी प्लस आर यू, मतलब कॉरस्पॉन्डिंगली हम न्यूमरेटर्स को भी कोई मल्टीप्लायर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को भी करेंगे और फिर एड करेंगे. उसके बाद वेयर एस टी यू आर सम फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, इफ एस टी यू आर चूजन इन सच ए वे नोन एज मल्टीप्लायर्स दैट न्यूमरेटर इज इक्वल टू जीरो, न्यूमरेटर आपका क्या बन जाए, जीरो बन जाए. देन वी हैव एस डी एक्स प्लस टी डी वाई प्लस यू डी जेड इक्वल टू जीरो एंड ऑन इंटीग्रेटिंग इट वी गेट द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सोल्यूशन और इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट मतलब लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड आफ्टर दैट और उसका हम नाम क्या रखते हैं, यू रखते हैं, इज इक्वल टू सी वन. And the other independent solution can either be obtained by selecting another set of multipliers in a similar manner or by taking two fractions or members of auxiliary equations of this. ठीक है,
तो ये आपके पास तरीका है, आप हम एग्जांपल करेंगे, उससे आपको क्लियर आएगा कि मल्टीप्लाई कैसे चूज करने हैं, कैसे हमें उसका फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना है और सेकंड कैसे निकालना है। ओके, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रूल दिस टाइप विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो एग्जांपल क्या है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या है, z माइनस वाई पी प्लस एक्स माइनस जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स सॉरी वाई माइनस एक्स। दिस इज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो देखा जाए p का जो कोफिशियंट है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, q का जो कोफिशियंट है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। सो हम सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, गिवन लग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, वो क्या है, z माइनस वाई पी प्लस एक्स माइनस जेड क्यू इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, इसको हम फर्स्ट लेट कर लेंगे। ओके, तो देन कंपेयर करेंगे फर्स्ट विद जनरल लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैपिटल पी पी प्लस कैपिटल क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वी गेट क्या मिलेगा, p आपको यहां से मिल जाएगा z माइनस वाई, q आपको मिल जाएगा x माइनस जेड और r आपको मिल जाएगा y माइनस एक्स। ओके, तो देयरफॉर फिर हम क्या लेते थे, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, तो वो कैसे लिखते थे बेटा, dx अपॉन कैपिटल p इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल q इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल r। सो विच इंप्लाइज dx अपॉन कैपिटल p आपका क्या है बेटा, z माइनस वाई इज इक्वल टू dy अपॉन कैपिटल q क्या है आपका, x माइनस z इज इक्वल टू dz अपॉन कैपिटल r क्या है आपका, y माइनस x। अब बात वही आ गई कि किस तरीके से हम मल्टीप्लायर्स चूज करेंगे सच दैट आपका डिनोमिनेटर जीरो बन जाए। अब देखिए डिनोमिनेटर अगर मैं 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं, 1 के साथ इसको करूं, 1 के साथ इसको करूं, ऐड करूं, आपका आंसर जीरो आ जाएगा। देखिए प्लस z माइनस z कैंसिल हो जाएगा जब मैं ऐड करूंगा, माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा और प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा। दिस मीन्स मल्टीप्लायर्स मैं सबसे पहले क्या लूंगा, 1 1 1, न्यूमरेटर्स को भी मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर्स को भी करूंगा और ऐड करूंगा। ओके, सो इसके बाद क्या निकल के आएगा, यहां से टेकिंग 1 1 1 एज मल्टीप्लायर्स, तो देयरफॉर ईच फ्रैक्शन ऑफ इसको सेकंड मानिए, ठीक है, हर एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरी फ्रैक्शन है, ये तीसरी फ्रैक्शन है, किसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस की, तो हर एक फ्रैक्शन जो है सेकंड की वो किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू, अब बेटा यहां मैं नहीं लिखूंगा, मैं यहां लिखता हूं, वो किसके बराबर बन जाएगी, अब देखिए वो किसके बराबर बन जाएगी, ठीक है, 1 1 1 से मतलब करो, 1 into dx प्लस 1 into dy प्लस 1 into dz अपान, ऐसे ही डिनोमिनेटर्स को भी करो, 1 into z माइनस वाई प्लस 1 into x माइनस जेड प्लस 1 into y माइनस एक्स, तो यहां से ये इक्वल टू आ रही है इसके, तो विच इज इक्वल टू dx प्लस dy प्लस dz अपॉन z माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस y माइनस एक्स, और यहां देखिए z माइनस z कैंसल, माइनस y प्लस y कैंसल, प्लस x माइनस x कैंसल, और आपका क्या बचेगा, dx प्लस dy
plus dz upon 0, so which implies that dx plus dy plus dz equal to 0, integrating it, on integrating, we get, क्या मिलेगा आपको, integration of dx plus integration of dy plus integration of dz equal to integration of 0, dx का भी कुछ भी कर लो, तो this implies that x plus y plus z, तो इसकी इंटीग्रेशन आपकी जीरो ही आएगी, ठीक है, तो जीरो और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वन ले लो, तो देयरफॉर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सी वन, इट इज द फर्स्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, ओके, इसको थर्ड मान लो। अब सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन टाइप थर्ड के अकॉर्डिंग, या तो आपको दोबारा से मल्टीप्लायर चूज करने हैं इस तरीके से कि आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या फिर आप कोई भी दो फ्रैक्शंस लेकर चलो, तो मैं पहले ट्राई करता हूं मल्टीप्लायर्स लेने की। अब देखिए, सबसे पहले हमने वन 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 लिया, अब और क्या ले सकते हैं आप, अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूं, किससे, एक्स से, इसको, इसको वाई से करो, इसको जेड से करो, अगर मैं एक्स के साथ करूंगा ये एक्स जेड बनेगा, माइनस एक्स वाई बनेगा, थोड़ा सा इसको ऐसे रफली मैं बोलता हूं, इसको अगर मैं एक्स से करता हूं क्या बनेगा, एक्स जेड माइनस एक्स वाई, अगर ये वाई से करूंगा तो ये प्लस एक्स वाई बन जाएगा, प्लस एक्स वाई बन जाएगा, वाई से कर रहा हूं तो माइनस वाई जेड बन जाएगा, अगर मैं इसको जेड से करता हूं ये बन जाएगा प्लस वाई जेड माइनस एक्स जेड, देखिए क्या होगा, एक्स जेड कैंसिल, प्लस का माइनस का, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड कैंसिल, बिल्कुल एक्स वाई जेड में मल्टीप्लायर्स लेकर चलूंगा, क्या, एक्स वाई जेड, ओके, तो नाउ टेकिंग एक्स वाई जेड एज मल्टीप्लायर्स, तो ईच फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, सेकंड की हर एक फ्रैक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर बन जाएगी, अब एक्स के साथ करो, तो ये यहां लिखूंगा मैं, वो बन जाएगी x dx प्लस y dy प्लस z dz अपान 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 x के साथ करना है इसको, x इंटू z माइनस y प्लस इसको y के साथ y इंटू x माइनस z प्लस इसको z के साथ z इंटू y माइनस x, और यहां से अब मैं थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा, यहां से ये बनकर आएगा x dx प्लस y dy प्लस z dz अपॉन x के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा एक्स जेड माइनस एक्स वाई, y के साथ करूंगा तो प्लस एक्स वाई माइनस वाई जेड, जेड के साथ करूंगा तो प्लस वाई जेड माइनस एक्स वाई एक्स जेड, और एक्स जेड प्लस का माइनस का कैंसिल, माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, माइनस वाई जेड प्लस वाई जेड कैंसिल, तो ये आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड अपॉन क्या आ जाएगा, जीरो, तो विच इंप्लाइज दैट एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बाद में लिखेंगे, तो देयर फोर ये बनेगा एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू इजिकल टू ये जीरो आएगा प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी टू ले लो, तो देयर फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू आ जाएगा कॉमन, टू आ जाएगा एलसीएम, टू से क्रॉस में टू सी टू, और मैंने बोला कि टू सी टू भी कॉन्स्टेंट ही है और सी टू भी कॉन्स्टेंट ही है, तो देयर फोर जो आपका सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आया वाई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र इजिकल टू सी टू, ये आपका आ गया फोर्थ, ओके,
तो दोनों आपके इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आ गए और दो ही निकलते हैं। तो अब मैं फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ की मुझे जरूरत है, बाकी मैं मिटा दूंगा। ये एक्स है, वही है जेड है। तो देयरफॉर फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ यू एक्स वाई जेड मैं मान लूंगा सी वन, इसको मैं मान लूंगा यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी वन, एंड इसको मैं मान लूंगा वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू। वेयर करके मैं लिखूंगा, वेयर करके मैं लिखूंगा यू एक्स वाई जेड मैंने किसको लिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, और वी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड को मैंने क्या लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को। तो वेयर यू एक्स वाई जेड क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड क्या है आपका, वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इधर लिखूंगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट इज, जो गिवन आपकी लैग्रेंजियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, वो आएगा फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू जीरो। This implies that phi of u क्या लिया था आपने, x plus y plus z, और v किसको लिया था आपने, x square plus y square plus z square equal to zero is a general solution where phi is an arbitrary function of u and v. So this is the complete general solution of the given Lagrange's partial differential equation. So because of 2G network there is a problem in sending the videos. So another example on the basis of type second or rule second, uske liye main agla lecture taiyar karunga and I will provide to you in the next video. So thank you.